शौकत तानवी की किताब बेगम बादशाह गुलाम से एक मजमून अगर ये तस्वीर है तो। मेरे एक नहायत मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट दोस्त एक दिन मेरी जहालत के कायल होकर मुझसे सख्त मायूस हुए। वो बड़े चाव के साथ अपने कमालाते फन दिखाने मुझे अपने स्टूडियो ले गए और बड़े फख्र के साथ अपनी एक तस्वीर दिखाकर मुझसे पूछा कि ये क्या है। मैंने उस तस्वीर को नहायत संजीदगी के साथ गौर से देखा और जब बखूबी उस गोरख धंधे को समझ लिया तो अर्ज किया, ये आराम कुर्सी है। आराम कुर्सी का नाम सुनकर वो एकदम उछल पड़े और देर तक मुझे हैरत से देखते रहे कि मैं कह क्या रहा हूं। उसके बाद बगैर कोई और तस्वीर दिखाए मुझे स्टूडियो से बाहर ले आए। जब मैंने उनकी इस मायूसी को समझने की कोशिश की तो वो बरस पड़े मुझ पर के अजीब वाहियात किस्म के जहल मुरक्कब हैं आप भी, कहने लगे आराम कुर्सी है, इसका मतलब यह हुआ कि यानी तजरीदी फन की अबजद से भी आप वाकिफ नहीं हैं। मैंने खामखा भैंस के आगे बीन बजाई। मैंने तजरीदी आर्ट से अपनी नाफहमी का एतराफ करते हुए पूछा, भाई जिसको मैंने आराम कुर्सी कहा है वो आखिर है क्या? वो गुस्सा करने के बजाय मेरी हिमाकत पर कुड़कर बोले, भाई वो मायूस औरत है। मुझे अपनी इस जुहल का एतराफ है कि मैं तजरीदी आर्ट की भूल भुलैयों को समझने से कासिर हूँ और आज भी मायूस औरत को मैं सिवाय आराम कुर्सी के और कुछ नहीं समझ सकता। कसूर मेरा सिर्फ ये है कि मैं सच्चाई के साथ एतराफ कर रहा हूँ अपनी जहालत का, वरना एक से एक अजल को मैंने खुद मुअम्मा तस्वीर की नुमाइश में देखा है। मुंह में पाइप दबाए, चेहरे को तजरीदी आर्ट बनाए, अकलीदस की कोई बेहुदा सी शक्ल दिए खड़े हैं ये हजरत और दाद दे रहे हैं उस अजीबुल खलकत तखलीक की के मुसव्विर खुद दौड़ा हुआ आया और उसने कहा कि माफ कीजिएगा, ये तस्वीर उल्टी टांग दी गई थी। और ये सुनकर हजरत खुद ही उल्टे टंगे हुए नजर आने लगे। इस किस्म की एक नुमाइश में एक चौकठे में सादा कैनवस दीवार पर आवेजा थी और उन्वान था तस्वीर का चिड़िया और दाना। लोग उसको देखते थे और देखते ही रह जाते थे कि उसमें चिड़िया कहाँ है और दाना किस तरफ है। आखिर एक साहब ने मुसव्विर से पूछा कि दाना कहाँ है, वो बोला चिड़िया खा गई। उसने पूछा और वो चिड़िया कहाँ है, उसने कहा उड़ गई। जनाब अर्ज मुद्दा ये कि अपने बस का रोग तो है नहीं इस तजरीदी आर्ट को समझना, अब ख्वाह कोई हमको अहमक समझे या अफसोसनाक किस्म का जाहिल मुतलक़।